हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शुभम क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ साइंस अध्याय 3 धातु एवं अधातु। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं धातुओं की अन्य तत्वों से क्रिया, जैसे कि ऑक्सीजन से, जल से। ठीक है, जल की विभिन्न अवस्थाओं से क्रिया पढ़ चुके हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातुओं की क्रिया, यानी धातु और अधातु क्रिया कैसे करते हैं या क्रिया करने का ये कैसे गुण इसमें आ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से और वैसे भी फ्यूचर में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या धातु एवं अधातुओं की क्रिया या किसी भी यौगिक की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो मेनली हम जानेंगे धातु एवं अधातुओं की क्रिया, यानी धातु और अधातु कैसे क्रिया करते हैं। इसके पहले वीडियो में कई सारे यौगिकों की क्रिया आपने देखा है। ठीक है, वो कैसे क्रिया करते हैं यही हमें जानना है। अगर आप अक्रिय तत्वों को देखें तो क्या है कि वो अक्रिय होते हैं, यानी क्रियाशील नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2, 8, 18, 32 के हिसाब से, यानी बाह्यतम कोष में 2, 8, 18 इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, यानी कोष का क्या मतलब होता है कि जो तत्वों में इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग कोषों में फैल होते हैं, जैसे के, एल, एम, एन। ठीक है, ऐसे अलग अलग कोषों में फैल होते हैं। तो बाह्यतम कोष होगा, जैसे किसी भी तत्व का बाह्यतम कोष जो होगा उसमें कम से कम कितने, 2, 8, 18, 32 इतने इलेक्ट्रॉन यदि होंगे तो वो क्या होगा, वो तत्व अक्रिय होगा। ठीक है, अगर किसी भी बाह्यतम कोष में इतने इलेक्ट्रॉनों से कम है तो क्या होगा, वो अक्रिय नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो अक्रिय नहीं होगा। यानी के में कितना होना चाहिए, कम से कम 2, 8, 18 और 32 इतना होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर वो क्रियाशील होगा। अब ऐसे में क्या होगा, धातुएं क्रियाशील हो जाएंगी। अगर ये 2, 8, 18, 32 हैं के एलिमेंट सेल में तो ये क्रियाशील नहीं होगा, अक्रिय होंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, इससे कम हो जाएंगे तो क्रियाशील होगा। जैसे हमें पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब 11 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो क्या होगा, एक में आएगा 2। ठीक है, के में 2, एल में कितना आएगा, 8। अब 2, 8, 10 हो गया। ठीक है, एक और बचा है तो वो एम में चला जाएगा, यानी एम इसका बाह्यतम कोष हुआ और बाह्यतम इसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कैसा है, सक्रिय धातु है। ठीक है, यानी इस प्रकार से जैसे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो क्या होंगे, सक्रिय होंगे, यानी क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि धातु में अधातुओं की क्रियाशीलता कैसे। यहाँ धातु में हमने सोडियम और अधातु में क्लोरीन लिया है। ठीक है, तो ये रहा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन के बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 17। अब 17 का हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 2, 8, यानी 2, 8, 10। और बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरीन का, यानी क्लोरीन भी क्या है, क्रियाशील तत्व है। ठीक है, क्योंकि अगर 8 होता है यहाँ पर तो क्या हो जाता है, ये अक्रिय हो जाता है। ठीक है, किंतु ये क्या है, क्रियाशील है, क्योंकि ना तो यहाँ 8 है, ना 2 है, ना 18 है, ना 32 है, 7 है। ठीक है, 7 है, इसलिए क्या है, क्रियाशील धातु है। तो इसी आधार पर आइए देखते हैं कि धातु और अधातु कैसे क्रिया करते हैं। धातु को हमने सोडियम और अधातु में क्लोरीन को लिया है, तो विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होकर मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता। सोडियम क्लोराइड जो होता है ये अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि कैसे पाया जाता है, ये आयनों का एक समुच्चय होता है। ठीक है, अब सोडियम है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11, यानी 2, 8, 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। क्या किया, अपने बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए, ठीक है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये 2, 8 हो गया। यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल
एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब ये सोडियम धनायन बना लिया एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, और क्लोरीन के साथ कौन सी घटना घटी, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2, 8, 7 था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2, 8, 8। अब ये आयन बना लिए, ठीक है, यहाँ सोडियम सोडियम धनायन बना और क्लोरीन ऋणायन बन गया। ये ऋणायन क्यों बन गया, अभी देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, अभी इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है, क्या किया एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो इसके अंदर प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही हैं और इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो कितने हो गए, 10 हो गए, यानी इस पर एक धनायन बन गया क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 11 है, ठीक है। और प्रोटॉन क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं, इसलिए इस पर एक धनायन बन गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसके पास जो है बाह्यकोष में 7 इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब प्रोटॉनों की संख्या तो अभी भी इसमें 17 ही है, ठीक है, अब 17 ही है, इसीलिए इसके पास एक माइनस चार्ज यानी ऋणायन बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि सोडियम का धनायन और क्लोरीन का ऋणायन, यानी इसका देखिए लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, बाह्यकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमने मेंशन कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और 1, 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाह्यकोष में, और सोडियम का क्या है, इसके पास एक धनायन था, ये क्या किया धनायन को दे दिया, किसको दे दिया, क्लोरीन को, यहाँ पर शेयर कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, शेयर कर दिया। अब शेयर करने के बाद एक समुच्चय बन गया, ठीक है, इसने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा था वो क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया। अब इन दोनों का क्या हुआ, एक समुच्चय बन गया Na प्लस और Cl माइनस का, ठीक है, दोनों का समुच्चय बन गया और मिलकर ये क्या कहलाए, सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से जो है सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। एक दूसरी अभिक्रिया है, मान लीजिए मैग्नीशियम है हमारे पास, ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, 8, 2, ठीक है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब 12 होते हैं तो इसके बाद को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा और Mg प्लस 2 आयन बना लेगा, यानी मैग्नीशियम धनायन बना लेगा उसी प्रक्रिया से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्लोरीन भी, क्ललोरीन का वही पूर्व प्रक्रिया, 2, 8, 7, इसके बाद उसमें 7 इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बना लिया, 2, 8, 8 यानी Cl माइनस, ठीक है, ये क्लोराइड ऋणायन बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों मिलकर जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण किया। अब मैग्नीशियम क्या था, इसके पास प्लस 2 आयन था तो 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक एक क्लोरीन जो है, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है एक एक क्लोरीन के पास, तो ठीक है, और इसके पास अधिकता जो है 2 इलेक्ट्रॉनों की है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये अलग अलग एक एक क्लोरीन को देगा और क्या बनाएगा, MgCl2, ठीक है, Mg2+ और Cl2Cl-, इस प्रकार से MgCl2 बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। चूँकि ये समुच्चय के रूप में मिलते हैं इसलिए एक समुच्चय के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। एक नोट है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। धातु या धातु, धातु और अधातु से जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक बनते हैं उनको आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, ठीक है, जैसे उत्कृष्ट गैस हैं यानी अक्रिय गैस जिन्हें कहा जाता है हेलियम, इसका परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या 2 या परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या जो भी आप कह सकें वो 2 है। तो इसके बाह्यकोष यानी के है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। नियान में परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 10 है, ठीक है, तो वो इसका 2, 8 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, के में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेल मतलब कोष, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, और आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18, ठीक है, इसके कोष में 2, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें देखिए 2, 8, 18, 32 को पूरा करने की क्षमता है, ठीक है, क्या है, इसमें 2 है
अंतिम कोश में, इसमें अंतिम कोश में 8 है, इसमें भी अंतिम कोश में 8 है, तो वो क्षमता है। इसलिए क्या है, उत्कृष्ट गैसे हैं, अक्रिय गैसे हैं, अक्रिय तत्व आप कह सकते हैं। अब धातुएं हैं, धातुएं हैं, धातुओं में क्या है, सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 1, ठीक है ना। तो 2 है ना, 8 है ना, 18 है ना, 32 है, बल्कि अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। इसी तरह सभी धातुओं के अंतिम सेल में देखिए 1, 2, 3, 1, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन है, यानी धातुएं क्या हैं, ये क्रियाशील हैं, ठीक है। मैग्नीशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3, ठीक है, और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी अधातुएं, अधातुओं में है नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी के सेल में कितना, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक, तो इसके के कोश में जो है 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फ्लोरीन का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 7, फास्फोरस का 2, 8, 5 और सल्फर का है 2, 8, 6, क्लोरीन का है 2, 8, 7। अगर आप इसको याद करना चाहें याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो ये देखिए, जैसे आप कोई भी यहाँ पर ले लीजिए, जो धातुओं अधातुओं में से मान लीजिए आप लेते हैं कैल्शियम, क्या ले रहे हैं, कैल्शियम Ca, ठीक है, Ca, इसका परमाणु क्रमांक है 20। हमें पता है कि सेल होते हैं KLMN, ठीक है, तो ये कैसे फिल होते हैं, 2, 8, 18, यानी 2, 8, 18, 32 मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे कैल्शियम इसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो के एल एम एन सेल में इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें है नहीं बल्कि इतने होने चाहिए। तो हमारा कैल्शियम है, पहले में इलेक्ट्रॉन 2 भर दीजिए, ठीक है, 2 आपने फिल कर दिया, एल में कितना कर दीजिए, 8। अब देखिए ये 20 पूरा, सॉरी 10 हो गया। अब इसको क्या है कि अब अगले में भी कितना बचा है, 10 बचा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 8 फिल कर देंगे, ठीक है, 8 फिल, अब 2, 8, 8, अब बचा कितना, 8, 8, 16 और 2, 18 हो गया, तो 2 और बचा है, यानी अंतिम सेल में इसे कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आगे देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ठीक है, आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुण हैं। पहले है कि भौतिक प्रकृति, यानी इनकी भौतिक फिजिकल नेचर क्या है, आयनिक यौगिकों का भौतिक प्रकृति यानी फिजिकल नेचर क्या है, तो ये धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। अगर आयनिक यौगिक देखें, जैसे आपका ये नमक है, NaCl, वो भी क्या है, एक आयनिक यौगिक है, तो वो काफ़ी कठोर होता है, ठीक है, और ये भंगुर भी होता है, यानी अगर इस पर दाब डालें, ठीक है, तो ये टूट जाता है। उसके बाद आता है गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है, क्योंकि ये मजबूत आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण काफ़ी मजबूती से बंधे होते हैं, और इनको तोड़ने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक दिए हैं, जैसे NaCl का गलनांक है 1074 और क्वथनांक है 1686। गलनांक का मतलब होता है किस ताप पर ये गल जाएगा, ठीक है, तो 1074 केल्विन पर क्या होगा, ये गल लेगा, और 1686 केल्विन पर क्वथनांक होगा, यानी उबलेगा, ठीक है, क्वथनांक में होता है उबलना। उसके बाद लिथियम क्लोराइड है, इसका गलनांक है 887 और लिथियम क्लोराइड का क्वथनांक 1600 है। कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसका 1045 गलनांक और 1900 क्वथनांक। कैल्शियम ऑक्साइड है, तो 2850 इसका क्या है, केल्विन गलनांक है और 3120 केल्विन क्वथनांक है। MgCl2 है, तो इसका 981। मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो 981 क्या है इसका
गलनांक है और 1685 क्वथनांक है। उसके बाद आती है विद्युत घुलनशीलता। तो आप जानते हैं अगर नमक को जल में घोल दें तो ये घुल जाता है, यानी ये जितने भी वैद्य संयोजक यौगिक हैं अगर उनको जल में घोलेंगे तो क्या होंगे, घुल जाएंगे। लेकिन केरोसिन और पेट्रोल इस तरह के यौगिक में विलायकों में यदि घोलेंगे तो ये घुलेंगे नहीं। और विद्युत चालकता की बात करें तो आयनिक यौगिक जब जल में घोले जाते हैं तो ये आयन में धन आयन और ऋण आयनों में टूट जाते हैं, यानी इनमें इनके जलीय विलयन में क्या होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ गति गति करने लगते हैं, ठीक है। और ठोस अवस्था में अगर आयनिक यौगिक है तो उसमें कोई भी विद्युत चालन नहीं होता है, एक प्रयोग में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, आयनिक यौगिक का जलीय विलयन एक पात्र में लिया गया है और इस पर दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हैं जो ग्रेफाइट से बनाए गए हैं, इनमें डाल दिए गए हैं, ठीक है, इस विलयन में डाल दिए गए हैं। उसके बाद क्या किया गया है कि इसमें एक बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और इसमें एक स्विच भी लगा है, एक बल्ब भी लगा है। अब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है। इससे पता चलता है कि आयन जो है ये विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लगते हैं, ठीक है, क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, यानी इस जल में क्या है, आयन घुले हुए हैं, वो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे और उसके द्वारा क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी जिससे बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि आयनिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति, यानी धातुओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, धातुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है, हमें शुद्ध धातुएं कैसे मिलेंगी, ये सब हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।